गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कल्पना मैम, टीचर ऑफ यू के जी क्लास एट MLP स्कूल राजपुरा। टूडे माई टॉपिक इज ड्रॉ द पिकॉक। बेटा आज मैं आपको 2 और 3 डिजिट से पिकॉक ड्रॉ करना सिखाऊंगी। ओके बेटा, चलिए कैसे ड्रॉ करते हैं मेरे साथ आप भी ड्रॉ कीजिएगा। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। ये पहले हम बेटा इस तरह से, ये देखिए 2 बना लेंगे। ठीक है, हो गया ना हमारा 2। ये हमारा इस तरह से बेटा हमने 2 बना लिया है। अब हम यहां पर 3 बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 3। बड़े ध्यान से बनाना है। और ये हमारा 3। ओके, अब इधर भी हम इस तरह से 3 बना लेंगे। ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 3। ओके, ये हो गया 3। इसको अच्छे से हम इरेज करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। चलिए अब हम इसको देखिए यहाँ से इस तरह से लेना है और इसको डबल कर लेंगे। यहाँ से बड़े ध्यान से लेके आना है बेटा। ये इसकी हम नेक बनाएंगे, यहाँ लेके यहाँ रोक देंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह से ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ओके, अब देखिए इसको यहाँ से सी ऐसे बना देंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे डबल कर देंगे। हो गया, अब हम इसकी क्या बनाएंगे, चोंच। ये देखिए पिकॉक की हम ये चोंच बना दी। ठीक है, इसमें शेड दे देंगे थोड़ी सी, ये थोड़ा सा सफाई लेंगे इस तरह से और इसकी आईज बना देंगे इस तरह से। ये इस पिकॉक की आईज हो गई। ठीक है, ये आईज हो गई। अब इसकी देखिए यहाँ पे हम ऐसे, ये जो पिकॉक के होते हैं ना फोरहेड पे, ये ऐसे पंख इस तरह से ही ये ऐसे बना देंगे। ठीक है, हो गया हमारा। अब इसकी लेग बनाएंगे। ये देखिए ये इसके हम यहाँ से बेटा लेग बना देंगे। ये इस तरह से हमने लेग बना दिया, इसमें शेड दे दी। ठीक है, बहुत इजी तरीका है ये पिकॉक बनाने का 3 और 2 डिजिट से। और आपको इसमें हमें बताना है 3 और 2 की स्पेलिंग और पिकॉक की स्पेलिंग। ठीक है बेटा, पिकॉक की स्पेलिंग क्या होती है बताइए, PECOCK पिकॉक। और 2 की स्पेलिंग क्या होती है, TWO 2। और 3 की स्पेलिंग क्या होती है, THREE 3। देखिए ठीक है, इतना हमारा हो गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, ये 3 को हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे और इसको यहाँ पे, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे और इसको यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे ऐसे सर्कल किया हमने, मैं ऐसे थोड़ा हाफ में ऐसे शेड कर दिया ब्लैक इस तरह से। ठीक है, ऐसे इधर करना है आपको, ये इस तरह से। ठीक है बेटा, अब ये इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये जो हमारा 3 था इन सबको एक साथ ऐसे हम मिला देंगे। ठीक है, ये हम बिल्कुल इक्वल अच्छे से कर लेंगे इस तरह से। ठीक है बेटा, बिल्कुल अच्छे से इरेजर की हेल्प लेंगे, थोड़ी सी इरेज करेंगे जहाँ पर हमको लग रहा है थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा इक्वल करके इसको हम अच्छे से सही कर लेंगे। और ऐसे ये हमने हो गया। ठीक है, अब हम इसके पंख कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे, ये हम इसको इस तरह से शेड इस तरह से कर देंगे। ठीक है, ये इसके हो गए पिकॉक के पंख, हो गया ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, सर्कल इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सर्कल कर देंगे पूरा, ये देखिए ये इस तरह से सर्कल कर देंगे। अच्छा लग रहा है ना अब हमारा पिकॉक, ये देखिएगा, हो गया ना। अब इसको हम अच्छे से इसमें
शेड दे देंगे बेटा, ठीक है। थोड़ा सा पेंसिल से इस तरह से थोड़ी सी शेड दे देंगे, ठीक है। अब आप कलर कर सकते हैं, अगर आपके पास कलर है आप कलर कर सकते हैं अच्छा सा। इस तरह से आप सभी मैम की देखेंगे और इसको पूरा ड्रॉ करके मैम के पास भेजेंगे, ठीक है। अच्छी बनाई है ना मैम ने पिकॉक, ये देखिए। इस तरह से आप इसको अच्छे से शेड दे देंगे, ठीक है बेटा। ये हमारा पिकॉक को नेशनल बर्ड बोलते हैं, हमारी जो नेशनल बर्ड क्या है हमारा पिकॉक, ठीक है। विच इज अवर नेशनल बर्ड पिकॉक, PEPECOCK पिकॉक। पिकॉक मीन्स क्या होता है, मोर। मैपेओ की मात्रा मोर है, मोर। पिकॉक मीन्स मोर, नेशनल बर्ड है हमारी पिकॉक, ठीक है। PEACOCK पिकॉक। और आपको बेटा ये आपको अच्छे से कलर करके मेरे पास भेजना है, ड्रॉ करनी है पिकॉक, ठीक है। जैसे मैम ने अच्छे से ड्रॉ की है इसी तरह से आप मेरे पास ड्रॉ करके भेजेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय, सी यू।